पुराना घर जी, ये भी देखना है हम लोग के साथ, लेकिन डर लग रहा है। ये रही हमारी ब्लैक ब्यूटी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। मैं फिर से आ गई हूँ तमाड़िए। ये मेकअप रोशनी किरण कहाँ जाएंगे अभी हम लोग? अभी हम मेला को का किस लिए आए हैं हम? मेला देखने के लिए, देखने का देखने, मेला देखने। सब कुछ हम लोग रेडी हो रहे हैं। मैं भी चली रेडी होने। ये बहुत मजा आएगा, मेरा बचपन का फेवरेट मेला है। बहुत ही मजा आता, हम लोग सबका फेवरेट मेला है। तो फिर रेडी होते हैं सब जल्दी, फिर मिलते हैं शाम को। ये हम लोग हो गए रेडी, हम लोग रेडी हो गए, अभी निकलने वाले हैं। तो आगे तो गाड़ी आ गया है, हम लोग चले, हम लोग निकल रहे हैं मेला के लिए। हम लोग का गाड़ी इसमें चले। ये मेरा पुराना घर जिसमें हम लोग पहले बहुत पहले रहते थे। हमारा पुराना याद, मतलब क्या बोले, दादा पर दादा के काम तो मतलब पुराने जमाने में छत कैसे रहते वो दिखाती हूँ। ये तो मट्टी का घर, और वो जो बम्बू उसका घर है, ऊपर दिखा। ऐसे मतलब पहले ऐसे बनाया जाता था घर, तो मैं अभी ऊपर दिखाती हूँ। यहाँ चढ़ना बहुत ही मुश्किल है, आप देख सकते हैं पूरा लकड़ी का बना हुआ है। जब भी बचपन में आते थे मेरी फ्रेंड लोग चढ़ ही नहीं पाती थी, तो बहुत कठिन साल के बाद आए हैं। ये है अंदर, पहले यहाँ पे हमारा बेड रहता था, यहाँ पे हम लोग रहते थे। फिर ये एक रूम है, तो कचरा नहीं, पूरा अंधेरा है ये रूम। यहाँ पे भी एक बेड था, बस ऐसी पुरानी यादें। पुराने जमाने का घर बहुत ज्यादा पुराना है, क्योंकि के टाइम का घर है। होने वाला है ना, यहाँ से देखेंगे हम लोग, पहले बचपन में देखा करते थे यहाँ से और यहाँ से। ये जो मेला है ना, इसका बहुत सारा नाम है। कोका पर्व यहाँ पे बोला जाता है, वैसे चेत मेला भी बोला जाता है, और एक मंडा मेला भी बोला जाता है, और क्या भोक्ता मेला भी बोला जाता है। तो अभी बहुत मजा आने वाले, बहुत सारे कोके इतने सारे पागल बन के आएंगे ना, फिर जो फास्टिंग किए रहते वो पूरा सजे हुए रहेंगे। अभी यहाँ से देखेंगे या फिर नीचे से भी देख सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं नीचे, तो चलते हैं फिर नीचे, बहुत हो गया मेरा। यहाँ से देख सकते हैं बहुत सारे, अभी बैक साइड से आएंगे पीछे से। तो चलते हैं हम लोग नीचे जल्दी। तो ये हमारा आगे का रूम, इधर से आंगन जाता है। अभी फिलहाल तो चाची लोग रहते हैं यहाँ पे, ये पूजा रूम है। ये हमारा पूर्वजों का पूजा रूम है, जो अब तक चला आ रहा है ऐसे ही। रूम है यहाँ पे, हम लोग का भोक्ता तैयार हो रहा है। ये हम लोग का भोक्ता जिसे हम लोग रेडी कर रहे हैं, ये भी जाएगा मतलब जी का बारात में, मतलब शामिल होने के लिए। तो ये हमारी बड़ी दी है जो इन्हें तैयार कर रही है। ये रही चाची भी रेडी हो गई है। जो सीढ़ी है बहुत सालों के बाद मैं चढ़ रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा था, फिर भी मैंने कोशिश किया, क्योंकि लगता ना ऐसा वो पलट जाएगा ऐसा लगता, तो बहुत डर लग रहा था, फिर भी मैंने कोशिश किया, चढ़ा। जब उतर रही थी ना उस टाइम तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया था, फिर भी जैसे तैसे करके उतर ही लिया। हम लोग पहुँच गए अभी यहाँ से देखने वाले छत से नीचे, छत से नीचे का नज़ारा बहुत अच्छा दिखता है। यहाँ चढ़ चुके हैं देखने के लिए, ये कोका शिव जी का बारात। ये रही दुल्हन, ये हमारा घर है, इधर से कोका आ रहे हैं। हम
देखते यहाँ पे आ गया एक, ये भी देखने आया हम लोग के साथ, लेकिन डर लग रहा है अब अगर यहाँ पे आ गया तो क्या करें। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है यहाँ पे, आपने शायद ही कभी ऐसा मेला देखा होगा। ये तमाड़ का सबसे फेमस मेला है, वहाँ से चाची लोग देख रही हो रही, चाची दीदी सबको ही है वहाँ पे। ये रही हमारी ब्लैक ब्यूटी, पिछले बार भी जो मटकी फोड़ता है, ब्लैक एंजल मटकी फोड़ता वो है। सारे कोके जो भी है इधर से आएंगे। तो यहाँ पे चल रहा है, चल बेटे सेल्फी ले ले रे ए, ए। वो रहा मिस्टर इंडिया प्लस गजनी। एक दो फिर उतर लो उसे पलट कर दे।
चले मेला। फाइनली अब हम लोग जा रहे देखने के लिए मेला। ये सब कोई हम लोग चाची बड़ी मम्मी दीदी बहन सब कोई हम लोग बहुत सामने है इसीलिए तो हम लोग जाते हैं। मेरा फेवरेट मेला है। हम लोग मेला पहुँचने वाले हैं। आशीर्वचन है मेले में आकर संगीत उसका कर रही है और ये रहा मंदिर। सो गाइस डे वन इज कम्प्लीट। तो आज का जो भी प्रोग्राम था सब खत्म हो गया और ये मतलब मेरा फेवरेट मेला है क्योंकि बहुत मज़ा आता है इसमें। बचपन से हमने देखा है और बहुत ज़्यादा पास भी था तो हम लोग घूमते फिरते रहते थे बचपन बहुत ज़्यादा। और कहा जाता है और ये जो चैत मेला ये जो फेस्टिवल है इसका मूवी भी है। मैं इसे इसका मूवी का नाम और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो आप जाके चेकआउट ज़रूर करना। फिर वहाँ पे पहले कोके जाते हैं फिर भोक्ता मतलब भक्त जो भक्त होते हैं वो जाते हैं देन उसके बीच में रहते हैं पाठ भक्त। जो कोके बनते हैं क्यों बनते हैं क्योंकि भोलेनाथ का बारात जो होता है भूत प्रेत यही लोग जाते हैं इसलिए ये लोग इस तरह से पहन के बारात जाते हैं। तो और जो भक्त होते हैं वो अपने माला वाला पहन के पूरा अच्छे से रेडी होके वो लोग जाते हैं और बीच में रहता है पाठ भोक्ता जो मेन होता है और वो बहुत ज़्यादा दिनों से मतलब फास्ट में रहते हैं तो कहा जाता है उसे मतलब बेहोश हो जाता है बीच बीच में तो इसलिए जो भक्त लोग हैं वो लोग अपने डंडे को बजाते हैं और उसे जगाने के लिए सारे कोई मतलब बजाते हैं उसे जगाने के लिए फिर जब उसे होश आता है सब खुश हो जाते हैं। तो इसी तरह से होता है ये फेस्टिवल। आपने देखा होगा ना आगे वीडियो फिर दूसरे दिन छो नाच वगैरह होता है टू बी कंटिन्यू क्योंकि नेक्स्ट डे और भी मज़ा आने वाला है क्योंकि हम लोग रात भर घूमने वाले हैं। और आई होप आपको ये व्लॉग अच्छी लगी हो। अच्छी लगी मेरे चैनल को लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब करें। तो आज डे वन था कल डे टू है। कल के लिए आप लोग रेडी रहना टू बी कंटिन्यू स्टे ट्यून बाय बाय।